नहीं पर बंद हो गया राउंड लेना वो ऐसा वो बगल वाला और भी इंतजाम किया है, प्लस वाला सेकंड वाला भी किया है। प्लस एक और बात थी कि जो बरसात का सीजन है और आपने देखा होगा आजकल तो गूगल से पता लग जाता है, वो बरसात भी प्रेडिक्ट कर रखी है, तो उस बात को देखते हुए ये काम किया गया है कि बहुत ज्यादा बरसात हो जाए और कीचड़ हो जाए तो हो सकता है कि नई जगह के ऊपर शायद इस तरह व्यवस्था नहीं बैठ पाए, लेकिन हमने साथ में कोशिश की है कि रेन प्रूफ उसके ऊपर लगा करके और सेकेंड वाला भी जो है वहां पर उसको भी लेकर के ना उसको बड़ा दिया गया। कारण कुछ नहीं, देखिए ऐसा हर नहीं 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 हर हर पार्लियामेंट्री क्षेत्र में एक जगह, जैसे गुड़गांव के अंदर नू में किया, सात हो गई आठवीं, समझ गया, सात हो चुकी है पहले, ये आठवीं है, तो वो तो कहीं भी एक जगह चुनते ना। अब जैसे गुड़गांव तो बड़ा ही है लेकिन मेवाट में चुना गया, छोटी काशी बड़ी इम्पोर्टेंट है। ये राजनेताओं की भैया भाई आप सौभाग्यशाली रहे, हम ये तीन तीन चार चार मुख्यमंत्री यहाँ से आए हैं, तो भिवाड़ी एक प्रोमिनेंट जगह है, उसकी प्राथमिकता इसलिए है कि भिवाड़ी से बड़ी जगह कौन सी है, आप बताओ भिवाड़ी से बड़ा कुछ हो तो। देखिए ऐसा है, हम लोग तो सारे यहाँ लगे हुए हैं और वो वहां पर उन्होंने सच्चाई की बातें जो भी जो सामने आई हैं, परिस्थितियां जो हैं उसके बारे में उन्होंने कहा है, तो उसमें कोई, मैं समझता हूँ ऐसी कोई बात नहीं जिससे आप ये कहें कि उन्होंने कुछ ऐसा किया है। जब सब लोग यहाँ लगे हुए हैं, विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम के सफलता के लिए, तो वो आयोजन तो पहले भी होते रहे आगे भी होते रहेंगे, आयोजन से तो क्या है। देखिए माननीय तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने हर विधायक को स्वयं फोन करके कहा है कि आप लोग विपक्ष आपके समक्ष आइए। देखिए उनकी तरफ से तो जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ से तो सभी विधायकों को निवेदन किया गया है, अब कितने पहुंच पाते हैं, कोई व्यक्ति अगर अपने किसी व्यक्तिगत काम से या किसी ज्यादा व्यवस्था की वजह से नहीं आ पा रहा है तो वो एक अलग बात है, मैं समझता हूँ सभी आएंगे। बात करें सब लोग किस प्रकार, जो दीपेंद्र हुड्डा ने भी टीस जाहिर की थी कि नौ में से सात सीटें सत्ता दल के पास है, कांग्रेस के पास दो, ये तो किस प्रकार इस चीज से लड़ा जाएगा सर आगे के लिए? देखिए उसी लड़ाई के लिए तो विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, ताकि जो कांग्रेसी अपने तौर पे एक तरह से नहीं सोच पा रहे थे उनको ये बताया जाए कि आज भाजपा की जो 9 साल की कार्यप्रणाली क्या है और 10 साल की कांग्रेस की कार्यप्रणाली क्या थी। आज आम आदमी को इस बात से अवगत कराना ही कांग्रेसियों का फर्ज है कि कांग्रेस ने जो किया ये 9 साल में नहीं कर पाए, अब आपका समय आ चुका है सच्चाई के साथ चल करके कांग्रेस को वापस ले करके आने का। बात करें किस प्रकार रोल कर दिया जाएगा, क्या क्राइटेरिया रहेगा? देखिए जहाँ तक क्राइटेरिया की सरकार की रोजगार की बात जो मैं बात करूं, आज सबसे ज्यादा देखिए जरूरी होती शिक्षा, शिक्षा के अंदर कितने स्कूलों को बंद कर दिया गया है, आज भी लगातार वो प्रक्रिया जारी है। आज तकरीबन 2 लाख से ज्यादा पोस्टें पूरे प्रदेश के अंदर कर्मचारियों के लिए अधिकारियों के लिए सब खाली पड़ी हुई हैं और आज बेरोजगारी सरकार के बोझ लगी, तो मैं समझता हूँ सरकार को इस बात का संज्ञान लेनी चाहिए। इन्होंने 28-29 बार एग्जाम्स की घोषणा कर दी गई, या तो पेपर आउट हो गए या उनका रिजल्ट नहीं आया, तो ये इस बात को साबित करता है कि सरकार कहीं ना कहीं अपने कार्य को करने में सक्षमता नहीं दिखा पा रही।